नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से आडवो फोटोशॉप के माध्यम से जो वैक्सीन सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं उसको किस तरह से स्मार्ट कार्ड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप किस तरह से अपने व्हाट्सएप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो ऑनलाइन कोविन रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, वहाँ से भी आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ और आई लिंक पे भी दे दूंगा मैं, वहाँ से आप आसानी से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज मैं आपको जो प्रैक्टिकली पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाला हूँ, जो आप डाउनलोड करते हैं ऑनलाइन से वैक्सीन सर्टिफिकेट उसको किस तरह से हम स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं फोटोशॉप के माध्यम से प्रोफेशनली। तो मैं आपको ये लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना लैपटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं अपना जो पीएस है उसको फोटोशॉप उसको ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से मेरा यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कोई भी फाइल ओपन नहीं की है। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है, या फिर आपने किसी फाइल को ओपन किए कंट्रोल एन कर सकते हैं। आप आसानी से आपके यहाँ पर न्यू पे जो लेने का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, 4x6 या फिर A4 साइज, दोनों में से किसी भी पेज को आप ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर 4x6 को ले रहा हूँ 300 dpi में। यहाँ पे इसको मैं हटा लेता हूँ। इस तरह से आने के बाद आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। इस सर्टिफिकेट को मैंने यहाँ पर ले लिया है इस तरह से फोटोशॉप के अंदर। लेने के बाद आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली इसको क्रॉप करेंगे, इस तरह से क्रॉप करके अगर अरेंज करके कहीं लगाना चाहेंगे, मान लीजिए इस तरह से मैंने क्रॉप किया, इसको अगर मैं ले जाकर यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद इसको अगर साइज को मैं छोटा बड़ा अगर करता हूँ इस तरह से, मान लीजिए मैं ये फोटो है इसको मैंने क्रॉप करके लाया और यहाँ पर अगर किसी साइज में मैं अरेंज करना चाहूँ तो ये परफेक्टली अरेंज नहीं होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो मैं साइज होता है, मान लीजिए जो भी आधार कार्ड की साइज है उसमें हम इस तरह से करेंगे तो ये बेटर तरीके से नहीं होगा। तो मैं आपको स्मार्ट एक ऑप्शंस बताता हूँ जिस तरह से आप इसको आसानी से उसमें कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सिंपली मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपने पेज को बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपका जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है उसको फिर से जैसे बड़ा था उस तरह से कर लेना है। इसके बाद फिर से यहाँ पर आने के बाद इस तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल वाले ऑप्शंस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है आपको। और इस तरह से आने के बाद यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से एक रेक्टेंगल क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, 1000 रखना है और यहाँ पे 600 रखना है। इस तरह से करने के बाद इसको ओके कर लेना है। इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर यहाँ पर रेड है, इसको ब्लैक कर देता हूँ। आप कोई भी कलर रख सकते हैं या फिर नहीं भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इस तरह से करने के बाद सिंपली उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको एक और यहाँ पर रेक्टेंगल आ जाएगा। अगर आप बाय द वे मान लीजिए उसको नहीं करते हैं तो सिंपली इस तरह से करने के बाद वी कर दबा लीजिएगा, उस तरह से आपको मूविंग टूल आ जाएगा। आने के बाद अगर इसको आल्ट दबाकर अगर इस तरह से करेंगे तो भी आपका ये यहाँ पर क्लोन तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो जो आधार कार्ड के परफेक्ट साइज होते हैं उनको मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको फिर से किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दो साइज परफेक्टली ले लिया है। मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन सी पे करके ले लेना है। इस तरह से करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप परफेक्टली इसको फिर से यहाँ पर क्रॉप कर लीजिएगा। क्रॉप करने के बाद इसको यहाँ पर फिर से उठा कर लाइएगा और यहाँ पर रख दीजिएगा। इसको हम छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा बहुत बड़ा है। इस तरह से छोटा करके आने के बाद यहाँ पे इसको इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर इसको बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे इसको परफेक्टली इस तरह से अरेंज कर देना है। अरेंज करने के बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर देख सकते हैं परफेक्टली हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर बॉर्डर्स थी वो गायब हो चुका है। तो आप किस तरह से इसको एट्रैक्टिव या फिर इसकी बॉर्डर किस तरह से आप इसको स्टॉक दे सकते हैं,
तो सिंपली इस फोटो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन है। इस तरह से ड्रॉप शैडो पे एक क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कलर रेड है उसको ब्लैक कर लेना है। इस तरह से ब्लैक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना कूल लग रहा है। इसके बाद आप यहाँ पे इसको और भी सेटिंग नहीं करते हैं या फिर नहीं तो फिर आउटर ग्लो या फिर इफेक्ट, तो बहुत सारे इसमें ऑप्शन है जो कि आप दे सकते हैं या फिर इसको मैं माइनस कर लेता हूँ। इसके बाद इसको सिंपली ओके कर लेता हूँ। इस तरह से फिर इसी इफेक्ट को कॉपी करके हम सेकंड पे डालकर आपको दिखाएंगे। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको हम इस तरह से नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे क्यूआर कोड वाला उसको हम कटआउट कर लेते हैं। तो सिंपली इस तरह से करने के बाद यहाँ पर जो क्यूआर कोड का ऑप्शन है इसको भी हम यहाँ पर ले लेते हैं इस तरह से परफेक्टली, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्रॉप कर रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर परफेक्ट ये है। और इसको हम फिर से ले लेते हैं यहाँ पर और आने के बाद यहाँ पे इसको करके इसको छोटा कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं थोड़ा और इस तरह से शिफ्ट दबा के रखेंगे तो आपका क्या होगा कि एक साइज में चारों कोनों से छोटा बड़ा होगा, नहीं तो अगर आप शिफ्ट नहीं दबा के रखेंगे तो परफेक्टली ये नहीं छोटा होगा, छोटा मतलब साइज इसकी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से करने के बाद इस तरह से इसको अरेंज कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको इस तरह से अरेंज कर लेता हूँ यहाँ पर परफेक्ट, और यहाँ पर हमारा परफेक्टली अरेंज भी हो चुका है। इसको मैं इस तरह से थोड़ा बहुत इधर उधर कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से परफेक्टली आने के बाद इसको भी हम आउटर इस जो इफेक्ट हमने फर्स्ट वाले में दिया है उस इफेक्ट्स को किस तरह से हम दूसरे वाले पे पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इस इफेक्ट्स को यहाँ पर देख सकते, कॉपी लेयर स्टाइल का ऑप्शन है, इस कॉपी लेयर स्टाइल पे क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड वाला लेयर जो है उस पर यहाँ पर पेस्ट लेयर स्टाइल कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों एकदम कितने कूल लग रहे हैं परफेक्टली आपको यहाँ पर है। अगर इसको आप प्रिंट करते हैं तो आपको परफेक्टली जो आधार कार्ड की साइज होती है उसी साइज में आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिलेगा। तो इसको आप मान लीजिए अगर कोई बंदा है अगर 4x6 पे इसको अरेंज करना चाहेगा तो सिंपली इस तरह से 4x6 का पेपर ले लेना है, इसको इस तरह से यहाँ पर जो लेयर है इसको कॉपी कर लेना है, इसके बाद रेक्टेंगल को भी कॉपी कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसको कॉपी करके आप यहाँ पर सेकंड वाला जो पेज है हमने 4x6 लिया था उस पर सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। इस साइज़ को आप देख सकते हैं यहाँ पे परफेक्टली साइज आ गया है। इसी तरह से आप दोनों को भी क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पर आकर पेस्ट करके प्रिंट कर दीजिएगा, परफेक्टली आपको प्रिंट हो जाएगा आधार कार्ड के साइज में, कोई भी इशू नहीं आएगा। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। अगर आप अडोब फोटोशॉप 2021 को डाउनलोड करना अगर नहीं जानते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई लिंक पे भी दे दूंगा, वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ना ही अगर मेरे लिए कोई सुझाव या जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।